प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां पर चर्चा का महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो निकाय चुनाव हैं उसकी सरगर्मियों के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी में भी आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण चेहरों को जिम्मेदारियां दी गई और जिम्मेदारियां इतनी अहम हैं कि यहां पर किसी कद से कोई मतलब नहीं है। कोई प्रदेश में किसी भी स्तर पर बैठा हो, यहां पर जिम्मेदारियों को देना और उन जिम्मेदारियों को निर्वाह कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम हमेशा देखते रहे कि बीजेपी में सभी को संगठन की विचारधारा को मानते हुए संगठन के हिसाब से ही यहाँ पर पद का निर्वाह करना है। चाहे आप डिप्टी सीएम हो और चाहे आप सीएम हो और चाहे आप कैबिनेट मंत्री हो। तो यहाँ पर जो नगर निकाय चुनाव होने वाले, इसको लेकर एक खाका जो भारतीय जनता पार्टी में आज की बैठक में तैयार किया गया। सब क्षेत्रों की बैठक हुई। यहाँ पर जो मंत्री हैं, केपी मलिक को मेरठ, असीम अनवर को सहारनपुर, जसवंत सैनी को मुरादाबाद, धर्मपाल सैनी को फिरोजाबाद, जयवीर सिंह को अलीगढ़ के यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं अगर बड़े नामों की बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम को यहाँ पर वाराणसी और आगरा, ब्रजेश पाठक को वाराणसी और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है दूसरे, उनको आगरा की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को यहाँ लखनऊ नगर निगम चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री यानी कि स्वतंत्रदेव सिंह, उनको यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तैयारियाँ पूरी हैं, खाका तैयार हो चुका है। काम किस तरह करना है, किस तरह रणनीति बनानी है, किस तरह संकल्प पत्र जाएगा। और क्योंकि ये चुनाव निश्चित रूप से हम 24 का सेमीफाइनल मान सकते हैं उत्तर प्रदेश में। कारण सिर्फ ये है कि अगर आपको केंद्र तक पहुँचना है तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव के माध्यम से नगर पंचायत भी को भी साधा जाएगा, इस चुनाव के माध्यम से नगर निगमों को भी साधा जाएगा, क्योंकि नगर निकाय में बढ़ोतरी हो चुकी है। जो पिछले नगर निकाय की अगर हम बात करें तो उससे लगभग लगभग 110 निकाय ज़्यादा बन चुके हैं। तैयारी पूरी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस चुनाव में कौन बेहतर करेगा ये भी सामने आएगा। तो वही समाजवादी पार्टी भी अब धरातली संघर्ष पर उतर आई, जिस तरह से अभी विधानसभा सत्र में देखा, पैदल मार्च भी हुआ, उसके बाद अधिवेशन भी हुए, राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन हुआ, राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ, जहां पर नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली तो अखिलेश यादव को यहां पर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी की गई। तो वही RLD भी अपनी चुनाव संघर्षों में लगी है। तो वही सुभाषपा भी यहां पर सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपना संगठन को तैयार करने की कवायद में जुट गई है, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ से शुरुआत हुई और पटना में जाके ख़त्म होगी। महत्वपूर्ण विषय। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पर देख रहे आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर लगातार सक्रिय बनी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से यहाँ पर राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में आम आदमी पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करती नजर आ रही है। और इसका परिणाम सिर्फ एक ही होने वाला है, वो ये होने वाला है कि निकाय चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए होगा कि जब लोग बैठेंगे, जब चर्चा करनी है, जब जुड़ना है, जब संकल्प पत्र जारी करने हैं, जब आने वाले चुनाव को देखते हुए बेहतर करना है, और सबसे बड़ी बात कि 24 के चुनाव के पहले अपनी तैयारियों को भी परखना है। अगर तैयारी को परखना है तो उसके लिए यहाँ पर जद्दोजहद और संघर्ष दोनों से रूबरू होना ही पड़ेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि निकाय चुनाव भी है, इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की भी बात कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर सकते हैं, गुजरात की बात कर सकते हैं, यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जाना जा रहा है कि इन चुनाव को देखते हुए, निकाय चुनाव को देखते हुए, ये सारी तैयारियां 24 को लेकर हो रही हैं। 24 का चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव, आम चुनाव। तो वही कांग्रेस में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि वहां पर खाबरी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है और उनके साथ साथ 6 और लोगों को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है अलग अलग प्रांतों के हिसाब से, जिसमें अभी हाल में ही
आए नकुल दुबे भी शामिल हैं और योगेश दीक्षित भी शामिल हैं, मैटपुर चर्चा का विषय। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी सोचना है कि अगर संघर्ष नहीं होगा, अगर यहाँ पर बात नहीं होगी, अगर यहाँ पर युद्ध नहीं होगा, तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी के साथ वही पार्टी अपना संघर्ष कर पाएगी, वही पार्टी चुनौती दे पाएगी बीजेपी को, जो पार्टी भी बीजेपी की तरह लगातार संगठन स्तर पर मजबूत होगी, बूथ स्तर पर मजबूत होगी, और जहाँ पर जिसको कार्यकर्ता धराती संघर्ष के लिए जद्दोजहद करते नजर आएंगे। मैनपुर चर्चा का विषय है और मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। सैयद मोहम्मद तकी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, प्रशांत मिश्रा कुशल नेता भाजपा ग्रुप में पक्ष रखेंगे, और सवाई पार्टी से विवेक पांडे भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो प्रशांत मिश्रा से रहेगा। प्रशांत भाई, बैठक रही और बैठक में अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई अलग अलग नगर निगमों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो और चाहे डिप्टी सीएम हो, खाका बड़ा अच्छा तैयार करने में लगे हुए हैं। क्या मानते हैं कि किस तरह की रूपरेखा आने वाले समय में और देखने में, संकल्प तो क्या रहने वाला है और किस तरह की रणनीति के साथ अब बीजेपी जाएगी, क्योंकि संगठन की बैठक का दौर लगातार जारी है, किस तरह देखते हैं? धन्यवाद गौरव जी चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज ये चर्चा है कि नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जी आगामी आने वाले समय में किस प्रकार चुनाव लड़ेगी और उसके बाद चुनाव जीतने के उपरांत जी भाजपा का क्या लक्ष्य होगा, इन्हीं सब विषयों पर संगठन की चर्चा हो रही है जी। और अभी हमारे जो 17 नगर निगम है जी, उन 17 नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के प्रभारी नियुक्त किए हैं जी, सह प्रभारी नियुक्त किए हैं जी, एवं नगर निगम के संयोजक नियुक्त किए गए हैं जी। ये सभी हमारे जो पदाधिकारीगण हैं जी, ये आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मनोयोग से लग करके चुनाव लड़ाने का हजारों हजार कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में काम करेंगे जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विजन है कि जिस प्रकार हम पूरे प्रदेश के विकास में लगे हैं जी, उसी प्रकार जो ये महानगर पालिकाएं हमारी जो अलग से आती हैं, इन महानगर पालिकाओं में शहरों में जो एक शहरों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया है, शहरों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, शहरों में ड्रेनेज सिस्टम, शहरों में सफाई व्यवस्था, शहरों में स्वास्थ्य के चिंतन, इन सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कार्य करेगी। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रभारी बने हैं इन सभी लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में भाजपा को जिताने का कार्य करेगा जी। ठीक है विवेक भाई, आपने देखा यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी में भी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय अधिवेशन हुए, दो महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियाँ थीं वो नरेशोत्तम पटेल को, अखिलेश यादव ने उसको ग्रहण किया, कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर संगठन की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और जो बूथ स्तर तक उनकी रणनीति है वो लगातार जारी है, कहीं पर कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर बड़े बड़े नामों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, बीजेपी पूरी तरह तैयारी जुट गई है। समाजवादी पार्टी की तैयारी है, किस तरह की तैयारी? पहले तो पूरे मंच को सर धन्यवाद देते हुए उपस्थित पैनलों को मैं नमन करता हूँ और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखते हुए जी, ये बात सत्य है कि बीजेपी जो है वो लगातार केवल और केवल चुनाव की प्रक्रिया में लीन रहती है, इस बात में कोई कमी नहीं है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि ये स्वयं स्वीकार है कि भाजपा के लोग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों को उनके विभागों का कार्य छोड़ करके लगा दिया गया अब निकाय चुनाव में जी। तो ये तो बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय विषय है कि अब पूरी तरह से प्रदेश जो है फिर से राम भरोसे है। अच्छा, क्योंकि जिम्मेदार तो कोई अपने कार्यालय में बैठा नहीं है, सभी अच्छा, को लगा दिया गया कहीं दाएं कहीं बाएं कहीं औवित क्षेत्र में। 17 नगर निगम में 200 नगर पालिका परिषद है जिसमें कि 16 में 14 नगर निगम ये जीते भी थे, 17 में मुझे याद है। अच्छा, उसमें हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ, अभी तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इन चुनावों के साथ आदरणीय नेताजी के स्वास्थ्य को लेकर भी है जी। तो हमारे लिए तो दोनों ही तरफ से देखा जाए तो हम तो एक धर्म संकट की स्थिति में खड़े हैं, लेकिन जनता के साथ और जनता के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी रणनात्मक नीति बनाते हुए संगठन को आगे लेते हुए लड़ेगी जी, और पूरी जोर शोर से लड़ेगी। लेकिन बस इतना मैं निवेदन करूंगा कि इस बार भाजपा वालों का चरित्र सड़क पे किसी का चरित्र हनन करते हुए या किसी का चीर हरण करते हुए उजागर ना हो पुनः। अच्छा, ये निवेदन रहेगा मेरा कि अच्छा, कम से कम संयमित होकर मर्यादित रूप से लड़े। अच्छा विवेक भाई, पर आपने अभी कहा कि सोचनीय बात है, चिंतनीय बात है, जिम्मेदारी दे गई है, प्रदेश राम भरोसे है, तो आपकी सरकार थी तो क्या आप जिम्मेदारी नहीं देते थे क्या? वो केवल मंत्रालय देखते थे जो मंत्री होते थे, आपके जिम्मेदारी नहीं दी जाती? दो चीज आपको
बिल्कुल मैं आ रहा हूँ उसमें। दो चीज आपको समझनी पड़ेगी जी, एक होता है पार्टी का कैडर और एक होता है संवैधानिक राज्य सरकार का कैडर। अच्छा, दोनों अलग अलग बातें हैं जी। हमारी पार्टी के कैडर में जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो पार्टी का कैडर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हुए जो सरकार थी, जो समाजवादी पार्टी का कैडर था, वो चुनाव की तैयारियों को निभाता था, निर्वहन करता था पूरी जिम्मेदारी के साथ। यहाँ तो मंत्रियों को पूरी तरह से कार्यालय छुड़वा के बिठा दिया क्षेत्रों में, सबसे बड़ी बात समझिए। और उससे भी बड़ी बात, अभी तो परिसीमन बाकी है जी। अभी तो परिसीमन बाकी है जिसमें कि आपको ये समझना पड़ेगा 3,35,00,000 मतदाताओं ने जो पिछली बार मत का प्रयोग किया था इन चुनावों में जी, उत्तर प्रदेश की जनता तो मुझे लगता है कि 24 या 25 करोड़ के आसपास है जी। तो उसके अनुसार ये जो मत संख्या है, जो ये अभी आरक्षण की प्रावधान 17-18 जातियों को करने वाले हैं एससी कोटे में, उसमें भी अभी मतदाता जो है इनकी भी संख्यात्मक रूप से बदलाव आएगा इसमें जी, जी। तो अभी तो काफी तैयारियां बाकी है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, अब तो इनके चुनाव का प्रचार आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं, जो कि आज कानपुर में वाल्मीकि समाज के पैर छूने पहुंच गए, लेकिन आरएसएस की आवाज उनसे बड़ी दिक्कत भैया, वो कहीं भी जाते समस्या क्यों जाती विपक्ष को। विवेक भाई जी, अगर वो डॉक्टर सुहेब इलियासी मिले तो भी दिक्कत है, वो अगर जनसंख्या नीति की बात करते तो भी दिक्कत है, अगर वाल्मीकि समाज की बात है तो भी दिक्कत है। हम तो इस ये बात उठाना चाहते हैं कि जिस दिन वाल्मीकि समाज का मंदिर गिराया गया था लखनऊ में, उस दिन आरएसएस वाले मौन क्यों थे? अच्छा, उस दिन भाजपा वाले मौन क्यों थे? अच्छा, और उससे बड़ी बात, जातिगत आरक्षण पे आज तक इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है भाई? अच्छा, ये भी तो एक बड़ा विषय है जी। हम तो विषय वो उठा रहे हैं जो संवैधानिक रूप से जुड़ा हुआ विषय है प्रदेश के विकास से। हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हमने ये कहा जिन 17-18 जातियों को अब ये एससी के कोटे में शामिल करने जा रहे हैं, इसकी आवाज तो हम पहले से उठा रहे थे, जिसपे कि पहले कार्यकाल में इन्होंने ही रोक लगाई थी। लेकिन अब 24 पे जब अपना इनको पूरा रथ रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब देखिए आरएसएस प्रमुख तक कूद पड़े इनके प्रचार में। अच्छा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से जातियों का ध्रुवीकरण, भाई ये वही लोग है ना जो मंचों से जालीदार टोपी और कपड़ों से लोगों को चिन्हित कर रहे थे, आज इनके सुर बदल गए। अच्छा, आज तो आरएसएस वाले ये कह रहे हैं कि पुरानी नीतियों को छोड़ के नई नीतियों का सिद्धांतिक अपनाओ। तो वो भी पसंद नहीं आ रही आपको, से ऊपर वो भी आपको पसंद नहीं आ रही, विपक्ष को पसंद कहाँ आ रही है? नहीं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, उस पे भी आप स्वागत कर रहे हैं, उस पे भी आप जो है तो मचाए हुए हैं। इस देश ने पहली बार इस राजनीतिक दल को एहसास दिला दिया, और ये भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल गांधी जी को, जिनकी एक यात्रा अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन आरएसएस में और भाजपा में खलबली मची हुई है। अच्छा, आपको ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, एसी से निकले थे सदन तक जाने के लिए पैदल, अब ये लोग फॉर्चुनर से चलने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं भाजपा के लोग। अच्छा, हम तो पैदल केवल विधानसभा जा रहे थे सदन में हिस्सा लेने, उसी में पूरे लोक भवन को पसीना छूट गया। अच्छा, आप बताइए। ठीक है, तो ये तो सोचने का जवाब लेता, जवाब लेता प्रधान भाई से। तकी भाई, यहाँ तो बात कर ली भाई, आपका क्या कहना है भाई, आपके रणनीति कैसे चल रही है? आपका तो ये कि चेहरा हम नजर आते हैं संजय भाई, उन्हीं की अगुवाई में यहाँ पर बिल्कुल युद्ध स्तर पे संघर्ष होता नजर आता है भाई। संघर्ष को तो डांट दूंगा निश्चित रूप से, पर यहाँ पर सेकंड सिटिंग का जो लीडरशिप है वो भी तैयार होनी है। आपके यहाँ भी मैंने देखा प्रांत अध्यक्ष बनाए गए हैं, तैयारी कैसी है, कैसे देखते हैं चुनाव? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी जोर शोर से जो है चुनाव में उतरने वाली है जी, और निश्चित रूप से संजय सिंह साहब हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं, उनके ही वजह से अगुवाई में एक बहुत बड़ी लीडरशिप यहाँ उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है जी। उसका परिणाम, उनकी मेहनत का परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश में हर वार्ड लेवल पे, हर बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता मौजूद उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो प्रतिबद्ध है आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के लिए। अच्छा, और आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से नए विकल्प की तरह उत्तर प्रदेश में आ रही है। अच्छा, और जनता उसको सब जगह पसंद कर रही है उत्तर प्रदेश। सपा बसपा कांग्रेस कहां जाएगी? सपा बसपा, देखिए सपा को भी मौका मिला है, बसपा को भी मौका मिला है, और जनता नए लोगों को ढूंढ रही है, जिन ऐसे लोग जो वादा करें वो वादा पूरा करें। आप भारतीय जनता पार्टी को अगर कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर पिछले 20 साल से लगातार उत्तर लखनऊ के अंदर हैं, और लखनऊ की ज़्यादातर नगर सीटें जो हैं 80-65% के आसपास सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, और कई तो ऐसे सभासद हैं जो 6-6 बार 7-7 बार लगातार जीते हैं, जो बीजेपी से हैं, उसके बाद भी उनके हालात जो है उस मोहल्लों के हालात बड़े ख़राब हैं। अभी देखा आपने लखनऊ में जब बारिश हुई थी एक दिन के अंदर, कहाँ कहाँ पानी भर गया था, घरों के अंदर पानी भर गया था,
दिल्ली के अंदर का इतना पानी नहीं बढ़ता क्या? देखिए दिल्ली में ऐसा, दिल्ली में तो नगर निगम में भी अभी बाढ़ आती है भाई, दिल्ली में भी नगर निगम भरा होता है, भरा था जी। और दिल्ली में बीजेपी नगर निगम में अच्छा। इस चक्कर में भरा था, उन्होंने नगर निगम वो कर दिया अच्छा। पहले तीन में बाढ़ था वे कर दिया, तो दिल्ली अच्छा। में भी डर रहे हैं। तो आप ये तो, हर बार ये कहते हैं बीजेपी नगर निगम में है, बीजेपी पुलिस के पास है, तो आपका कोई काम नहीं है, आप सरकार बना बैठे हैं। बीजेपी का काम ही है भ्रष्टाचार करना, बीजेपी भ्रष्टाचार की, यानी आप कह रहे हैं जहाँ बीजेपी रहेगी वहाँ पानी भरेगा, जहाँ बीजेपी रहेगी वहाँ काम नहीं होता। मैं कहता हूँ बीजेपी हर बार जीत रही है, और पिछले 20 साल से लगातार मेयर उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहे आप, बीजेपी के सभासद कितनी बार रहे, 65% सभासद बीजेपी में है। क्या हाल है लखनऊ का अच्छा। आप पूरे प्रदेश को छोड़ दिए, आप अच्छा। लखनऊ की बात की, लखनऊ उसका स्मार्ट सिटी बताते हैं वहाँ क्या हाल है अच्छा। लखनऊ के अंदर गड्ढे इतने सारे हैं कि आप परेशान होंगे गिनते गिनते अच्छा। लालबाग से 1.5 किलोमीटर के रास्ते के अंदर 300 गड्ढे मिले, 300 गड्ढे अच्छा। लखनऊ और लखनऊ ये गिर गया है ताकि भाई, अरे सब भाई पेपर में रिपोर्ट है, अखबारों में रिपोर्ट है, भाई ने पूरे गड्ढे गिन डाले। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम तो हर चीज में नजर रखते हैं। मैं चाहता हूँ बीजेपी तो जीत रही, जनता लगातार हार रही है, जनता सड़कों पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी धस गया। लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश भाई कब जाएगी सपा वहां पर भी प्रदर्शन करने भाई? भाई अभी तो देखिए हमने क्या कहा, अभी तो तकी भाई पहले बोल ले फिर हम बोलते हैं। बोले बोले। पहले तकी भाई बात पूरी रख ले। उत्तर प्रदेश में 13% से ज्यादा जो है सड़क हादसों में इजाफा हुआ है अच्छा। और लखनऊ में खाली 1.5 गुना सड़क हादसे बढ़ गए अच्छा। जो मेन शहर है नोएडा है, प्रयागराज, इन शहरों के नाम बदले, उन शहरों में हालात नहीं बदल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कमजोर लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, शहरों का नाम बदलना चाहते हैं, तैयारी कैसे चल रही है, शहरों का नाम बदलना चाहते हैं, परिस्थितियां नहीं बदल पाते अच्छा। वो देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, लखनऊ की जनता को हम यही बाबा कहने जाते हैं कि भाई आपने बीजेपी को 7 बार सभासद बनाए, 7 बार मेयर बनाए, कितनी बार आपने वोट डाला, क्या परिस्थितियां बदली है भाई? यहाँ आज ही बारिश पानी भर रहा है, आज भी डेंगू से भरे हुए रिकॉर्ड टूट गया डेंगू के मरीजों का। एक सवाल जवाब दीजिए, उसके बाद हम प्रशांत भाई को लेते हैं। तकी भाई जी, आपका कहना है कि जनता पसंद नहीं करती है, फिर भी सत्ता में दोबारा आ जाती है, और आप इतना बड़ा दिल्ली मॉडल लेकर उत्तर प्रदेश में आए थे, बिना से चुनाव में खाता ही नहीं खुला। क्या उत्तर प्रदेश जनता ने आपको नकार दिया कि आपके जो चुनावी वादों को संजीदा रूप से नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, जबकि आप कहते हैं कि हम जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं? फिर क्या रही उत्तर प्रदेश जनता को आपकी जो नीति पसंद नहीं आई? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता भी, आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी अच्छा। हमारा मेन मकसद था उत्तर प्रदेश में हर लेवल के ऊपर कैडर खड़ा करने का अच्छा। और हमने कहीं जीत का दावा नहीं किया था अच्छा। और इस बार जो मोदी जी ने जो बयान दिए, योगी जी ने बयान दिए, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को 2 ध्रुवों में बांट दिया है अच्छा। बाइपोलर चुनाव कर दिए, एक समाजवादी पार्टी में अच्छा। लाल टोपी में गए, लाल टोपी वालों सावधान, आपको बयान याद है मोदी जी का? तो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी पूरा चुनाव कर दिया गया, इसलिए अच्छा, ताकि बीजेपी को एडवांटेज मिल सके अच्छा। और उसके बाद जो योगी ने बयान दिया कि हम 20% और 80% के बीच में चुनाव है, तो उसके अंदर उन्होंने जातिगत तो धर्म प्रधान, ये का मुख्यमंत्री बयान दे दिए भाई, ये का मुख्यमंत्री बयान दे दिए, योगी जी ने बयान दे दिया था कि चुनाव जो है मुकाबला 80% 20% के बीच में अच्छा। तो इस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव का ध्रुवीकरण किया, जातिवाद को, धर्मवाद को सबसे हावी रखा। उन्होंने कौन से मुद्दे की बात करी भाई चुनाव में, क्या मुद्दे उठा चुनाव में? ठीक है, आज की डेट में भारत उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या बीजेपी से मिल गया सौगात बताइए? इन्होंने कहा था किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी अच्छा। क्या फिर बिजली मिली फिर किसानों को फ्री में अच्छा, क्या गांव बिजली मिलने शुरू हो गई है? ठीक है। इन्होंने कहा सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, कांग्रेस कर रहे हैं, जवाब तो ले रहे हैं कल योगी जी, अरे जवाब तो ले रहे हैं, एक मिनट, योगी जी ने मीटिंग करी कि हम उत्तर प्रदेश को संकल्प लेते हैं फिर से गड्ढा मुक्त कराने का, इसका मतलब वो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं, मान रहे हैं। अरे आप तो तारीफ करिए कि भाई मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सड़कों का गड्ढा मुक्त करने का मुख्यमंत्री है भाई, और कह रहे थे 100 दिन में कर देंगे। विवेक भाई सक्रिय मुख्यमंत्री प्रदेश के, अगर अभियान चला रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? अरे तो अभियान पे अभियान चला रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं? 300 गड्ढे गिर के आपको भर दिया जाएगा? जो मुख्यमंत्री कह रहे थे 100 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश गड्ढे हम भर देंगे अच्छा। वो 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद 6वें साल फिर से मीटिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश गड्ढे भर जाएंगे भाई। सबसे पहले मैं अपने समाजवादी पार्टी के नेतागण को बताना चाहूंगा कि यदि आज हमारे परमपुष्कर संघ चालक जी ने यदि हमारे वाल्मीकि समाज के साथ बैठने का कार्य, उनको साथ लेकर के चलने का कार्य किया है, तो इसमें हमारे सपा के लोगों को दिक्कत क्यों है? ये सरकार में थे तो इन्होंने समाज के व्यक्ति को चिंतन करने का काम क्यों नहीं किया? सपा की सरकार थी, पूरे प्रदेश में इन्होंने गड्ढे भरने का काम क्यों नहीं किया था उस समय? इन्होंने सड़कें बनाने का काम क्यों नहीं किया? मैं स्वयं जनपद बहराइच से आता हूँ, और बहराइच से लखनऊ आने में
छह घंटा लगता था, साढ़े पांच घंटा लगता था, सड़कें नहीं थी जी, ना गांव में पानी की व्यवस्था थी, ना शौचालय की व्यवस्था थी, ना आवास की व्यवस्था थी। आपने बनाया क्या बहराइच? मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुन लीजिए। आपके 2012 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार थी। आपके समय में भारतीय जनता पार्टी जब आई, भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार है, उन्होंने बहराइच से लेकर लखनऊ तक रोड बनाने का कार्य किया। आपके सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी, भाजपा की 2012 तक, 2014 के पहले तक सरकार अप्रूवल नहीं दे पा रही थी कि हम सड़क कहाँ बनवाएंगे। 2014 में जवाहरलाल मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद उस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अभी पांडे जी, आप इसको याद रखिए भाई साहब, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था वो, नेपाल बॉर्डर हाईवे है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, उन्होंने लगातार नगर निगमों का, महानगरों का चिंतन करने का कार्य क्यों नहीं किया? आप हमारे मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं कि वो कार्यालय छोड़ करके, वो कार्यालय छोड़ करके काम करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जब सपा की सरकार थी तो आपके मंत्री कार्यालय छोड़ करके जनता के बीच में जाने का कार्य किए होते, तो 2017 में अपना सरकार में आते। अच्छा, मंत्रियों ने, हमारे सरकार में मंत्रियों को टास्क दिया गया है कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच से उनकी बात निकाल के लाइए, और जो जनता की स्वीकार्यता, जनता की जरूरत हो, उन बातों को लेकर के हम महानगर पालिका के चुनाव में उतरेंगे। और रही आम आदमी पार्टी की बात, ये अभी बता रहे हैं हमारे तकी भाई की 300 गड्ढे हैं और फलाना है, धमाका है। मैं बताना चाहूंगा कि आप दिल्ली से जब यहाँ से आएंगे, अरे तकी भाई कहते रहे आप डरने लगे, बीजेपी डर रहे हैं भाई, ये तो तकी भाई का व्यक्तिगत विषय हो सकता है कि मैं डरने लगा हूँ। हाँ। क्या है ये पूरी व्यवस्था चाहते हैं कि हम फ्री में दे दें, जनता को सब फ्री में बांट दे, जनता कह रही है जो भारतीय जनता डर जल रहे हैं आप, आपने पंजाब में लाखों लोगों को मार दिया, सिर्फ उसके बाद उसके बाद आप युवाओं को बरगला करके आए, कोई बरगला नहीं आए, पंजाब में झूठ बोलने का कार्य किया, नौकरी दे रहे हैं, सिपाही की नौकरी करें, टीचरों को परमानेंट कर दिया आपने, चाहूंगा बिल्ली फ्री कर दी है। लगातार आम आदमी पार्टी जो वादा कर रही है, एक वादा बीजेपी ने पूरा कर दिया अपना, मुझे पता है एक वादा बीजेपी ने पूरा किया, बीजेपी ने पिछले 8 साल के कार्यकाल, एक वादा पूरा किया, बारी बारी बोले भाई, बारी बारी बोले, आपके चैनल पे बोलता हूँ इनसे की एक वादा बता दे, तो बीजेपी ने 8 साल में 6 साल भाजपा ने देश के गरीबों का चिंतन करने का कार्य किया है, भाजपा ने देश के कार्य किया है। यदि समाजवादी पार्टी के मैं नेता अगर पांडे जी को भी बताना चाहूंगा, यदि आज 2017 के पहले इन्होंने अपने 5 वर्षों के सरकार में यदि इन्होंने गरीब व्यक्ति का चिंतन करने का कार्य किया होता, तो 2017 के चुनाव में और इस बार 2022 के चुनाव में भी जब इन्होंने रालोद के साथ गठबंधन किया, तो जनता इन्हें धूल चटाने का कार्य नहीं करती। अगर जो भारतीय जनता पार्टी, ये निश्चित रूप से हमारे हमारे विरोधी विचारधारा के लोग हैं, ये हमारे विरोध में ही बात करेंगे, लेकिन भाजपा के कुछ कार्य अच्छे हैं पांडे जी, उनको तो कह दीजिए, ठीक है ठीक है, जनता ने जनता के लिए पांडे पांडे खुद पांडे को, ठीक है ठीक है, हो गया पांडे जी खुद, मैं जवाब दूं, विवेक भाई खुद कुछ बोलना चाह रहे हैं, विवेक भाई बोलिए अपनी बात पूरी करिए। मैंने बड़े सम्मान सुना, आरोपों की लड़ी लगा दिया, मैं इसका जवाब देता हूँ। गरीबों के लिए कार्य करने की बात करते हैं, 2020 में 5.6 करोड़ भारतीय अत्यंत गरीबता की श्रेणी में जाकर के दुनिया में 7.1 करोड़ नए गरीबों का उदय होता है, जिसमें पूरे विश्व में 80% हिस्सा भारत को मिलता है। ऐसी रिपोर्ट पे भी भाजपा के प्रवक्ता खुल के झूठ बोलते हैं, इस रिपोर्ट को छुपाते हुए। आप दूसरा जवाब ले लीजिए, अभी आपने क्या कहा था, गरीबों को उत्थान करने की बात, गरीबों को उठाने की बात। पूरे देश में भाजपा के 512 कार्यालय बनाने के प्रस्ताव, जिसमें 236 कार्यालय का निर्माण हो चुका, 154 कार्यालय का निर्माण चल रहा है। अकेले एक दिल्ली का इनका केंद्रीय कार्यालय ऐसा है जिसकी कीमत लगभग 1400 करोड़ की है। भैया 1400 करोड़ एक भाजपा के कार्यालय की कीमत, जिसको आज तक मीडिया कवर नहीं कर पाई, न करने दिया गया, अंदर अय्याशी का अड्डा बना रखा है क्या, उत्तराखंड की तरह से रिसोर्ट की तरह बने हैं। आप लीजिए, बोलने दीजिए, आप तो
सरकार में जहाँ तो साइड क्यों जाते हैं भाई। अरे सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, बोलने दीजिए पहले, आप बोलिए मत रुक जाइए। आप ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी लाने वाले थे, एक ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड गिरावट के साथ आपकी सरकार ने नाम दर्ज कराया है। आप पहले सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, बहुत बोल चुके, सुनिए। अब आपने क्या कहा गठबंधन की बात, हम तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे, रालोद से भी कर लेंगे, लेकिन अब आपकी तरह देश को तोड़ने वाले पीडीपी के साथ तो नहीं कर सकते ना। पीडीपी कम से कम देश की अलगाववाद पार्टी है जो कि आतंकवादियों को संरक्षित करती है, और उसके बाद उसके साथ गठबंधन करने के बाद आपने वहां पे एक आतंकवादी को टिकट भी दे दिया। आपको सैफुल्ला फारूक का नाम याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। सैफुल्ला कौन था? 10 साल तक जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लिए काम किया, पूर्व आतंकवादी सैफुल्ला को आपने नगर निकाय चुनाव में टिकट दिया था। उसके अलावा वहाँ के अल्पसंख्यक मीडिया प्रकोष्ठ का प्रभारी लश्करे तैयबा का आतंकवादी था, जो आपकी पार्टी का पदाधिकारी था। तो अब आप लोगों की तरह हम राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। आप आतंकवादियों को संरक्षित करिए, हम अपने देश के आंतरिक छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। बोल दे, बोलिए सकी भाई, बोलिए। मैं कह रहा हूँ भाजपा जो है आज की डेट में बसपा से सुर है, जो प्रोजेक्ट हाथ में लेती उसकी मैया हो जाती है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, इनको सत्य तो दिखाना पड़ेगा, सच का चेहरा तो दिखाइए इनको। यहाँ पर चर्चा ये हुई कि चुनाव की रणनीति कैसे बनेगी, पर यहाँ पर चर्चा में चुनाव की रणनीति पे कम, बल्कि चुनाव पर आरोप प्रत्यारोप पे जरूर हुई। किसने किसको छोड़ा, किसने कैसे किया, किस पार्टी से धरने लगी है, कौन पार्टी आगे बढ़ रही है, किस पार्टी ने गरीबों का हक मारा, किस पार्टी ने गरीबों का साथ दिया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगर कोई वाल्मीकि समाज के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर सोएब इलियासी से मिलते हैं, अगर जनसंख्या नीति पे बात करते हैं, तो उसको भी अब ये कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने संघ को भी अपने प्रचार में उतार लिया है। खैर, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, पर यहाँ पर विपक्ष का काम एक भी ये भी है कि आप भी चुनावी रणनीति बनाएं, क्योंकि जब तक स्वस्थ विपक्ष नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र की जो संकल्पना है उसको भी आप स्वाभाविक रूप से बेहतर नहीं देख सकते हैं। सत्ता पक्ष भी मजबूत होना चाहिए और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष को मजबूत होने के लिए यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी और करना पड़ेगा जाति संघर्ष, तभी कुछ आएंगे परिणाम जिससे सब बेहतर नजर भी आएगा। तो आज की चर्चा में मुझे नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।